Hello guys and welcome back to my YouTube channel and I hope you guys are doing absolutely fine in your life. चैनल को अगर आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, जब से मैंने R15 V3 परचेस किया है, तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जितने भी एक्सेसरीज अवेलेबल है मार्केट में अभी, वो सारी बाइक के ऊपर इंस्टॉल्ड है एक्सेप्ट द फ्रेम स्लाइडर्स. और उसके पीछे रीज़न है मेरे पास वैलिड कि 5 महीने हो गए मैंने अभी तक इंस्टॉल क्यों नहीं कराया. तो आज इस वीडियो में यार फ्रेम स्लाइडर्स जो है वो फाइनली आ गए हैं, जो जैसे मुझे चाहिए थे वैसे, और उनको आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे बाइक के ऊपर. और जो सेफ्टी वाइज है बाइक की प्रोटेक्शन बोलेंगे उसको, तो वो इम्प्रूव हो जाएगा. अब मार्केट के अंदर है ना 1500 रुपये वाले जो चीप क्वालिटी के जो फ्रेम स्लाइडर्स होते हैं चाइना वाले, वो है ठीक है, वो आपको 1200 तक भी मिल जाएगा. बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो इंजन की माउंटिंग होती है फ्रेम के साथ, वो वाले अटैचमेंट्स के ऊपर अटैच करना पड़ता है ठीक है. एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांटेड, क्योंकि अगर क्रैश होता है और खुदा ना खास्ता बाइक का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा रहा, तो जो बोल्ट्स के ऊपर, जो नट्स के ऊपर इंजन माउंट हुआ है वो इम्पैक्ट लेगा, एंड चांसेस ज़्यादा है कि यार वो थोड़ा बेंड हो सकता है जो बाइक की फ्रेम के ऊपर हम लोग माउंट कर पाए. एंड उसमें भी एक कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी ड्रिल या फिर कुछ भी ऐसा DIY जुगाड़ टाइप चीज़ मेरे को नहीं करने का था, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम सेफ्टी. तो मोटोग्रैंडाइज वाले जो है, मतलब मुंबई से ये टेल टाइडीज़ और फ्रेम स्लाइडर्स और फोर्क स्लाइडर, रेडिएटर गार्ड, बाइक की जो एक्सेसरीज होती है ये मैन्युफैक्चर करते हैं. तो इनके जो फाउंडर है संजीव जी, इनसे मेरा बात चल रहा था जब से मैंने बाइक परचेस किया कि ओके प्लीज़ डिज़ाइन समथिंग जो ये सारी क्राइटेरिया के साथ मैच कर पाए. एंड 5 मंथ्स के बाद ये एक्चुअली एक होम ग्रोन प्रोडक्ट है. कम्प्लीटली डिज़ाइन और जो टेस्टिंग वगैरह है इसकी, ये मुंबई के अंदर की गई है. एंड जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी, उसका एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मोटोग्रैंडाइज के जो फोर्क स्लाइडर, रेडिएटर गार्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो बाइक के ऊपर वैसे ही मेरे इंस्टॉल्ड है. टेल टाइडी भी मेरे घर पे पड़ी हुई है बट मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं की, बारिश के लिए रुके थे, तो उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे. बट इन दिस वीडियो, मतलब आज की व्लॉग के अंदर यार फ्रेम स्लाइडर्स को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं. तो चलिए फिर पार्किंग लॉट में घर की तरफ, एंड मैं आपको बॉक्स कंटेंट्स क्या है वो दिखाता हूँ, एंड आफ्टर दैट उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर गाइड, क्योंकि इसका यूज़र मैनुअल अभी तक नहीं आया है. क्योंकि जैसे प्रोडक्ट बन गया था, मैंने बोला था जैसे बन जाए भेज देना, यूज़र मैनुअल बाद में भेज देना, तो वो बाद में आ जाएगा. बट कॉल पे मेरे को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि इसको कैसे इंस्टॉल करना. पूरी ज़िंदगी मिलती थी जीने के लिए, अभी वीकेंड और लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में कट रही है. एनीवेज द फ्रेम स्लाइडर्स आर हियर एंड वीकेंड इज़ ऑल्सो हियर, सो बिजी वीकेंड जाएगा. आई विल इंस्टॉल दिस ऑन माई मोटरसाइकिल एंड आई शो यू गाइज व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव एक्चुअली इंस्टॉल ऑन माई बाइक एज वेल. Let's get started. So guys, these are the things that you get inside the box pack. और ढेर सारा आपको bubble wrap भी मिलेगा. In case you are getting bored, you can just burst that thing out. तो ये चीज़ है, ये frame के ऊपर चले जाएगी ठीक है. ये उसका mounting mechanism है जो ऊपर की तरफ रहेगा support देने के लिए. ये चीज़ पीछे की side से पूरी frame को backup देने के लिए, और and it has got सम वेट. ये डमरू जैसा जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली बाहर की साइड पे जो आता है फ्रेम स्लाइडर्स के, वो है जो बड़े बड़े पूरा पैकेट नट और बोल्ट्स का, जिससे हम लोग पूरी फ्रेम के ऊपर इसको माउंट करेंगे. ये बोल्ट्स के बीच में जाएगा. तो मैं काम करता हूँ इसको सबको एक असेंबल करता हूँ, एंड फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे पूरा इसका स्ट्रक्चर है वो. तो एक साइड राइट साइड का तो मैंने यहाँ पर माउंट कर लिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है यहाँ पे. अब इसको टाइट करते टाइम मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा, वो ये कि यहाँ पे जितने कम हो उतने स्क्रैचेस आए, इसीलिए ये वाला जो ऊपर का को मैंने थोड़ा लूज़ किया, पैनल को ऊपर करके जो कुछ था वो किया यहाँ पे काम, वापस इसको टाइट कर लिया. मैंने इसको ज़्यादा टाइट नहीं किया, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखा, एकदम जितना परफेक्ट रख सकते थे उतना रखा है. और एक रबर का वॉशर यहाँ पर भी इंस्टॉल कर लिया, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है. अब हज़ार्ड लाइट का मेरा जो स्विच है वो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर ही माउंट कर लूँगा, बट बाद में, अभी नहीं. अब दूसरी साइड पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फट से, एंड मैं आपको
थोड़ी बाइक को वॉश करना पड़ेगा एंड देन सिनेमेटिक शॉट्स में दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या मॉडिफिकेशंस इस बाइक के ऊपर किए गए। तो एक साइड का जो माउंट हो गया है, अब दूसरी साइड का हम लोग माउंट कर लेंगे एंड आपको एक आइडिया आ जाएगा अभी ये दोनों को साइड बाय साइड देख के कि कैसा एग्जैक्टली इसको माउंट करना है। ये जो लोगो है जिसके ऊपर वो प्लेट है वो बाहर की साइड आएगी और ये जो दो क्लैम्प्स है, सपोर्टिंग क्लैम्प्स बोल सकते हैं या इसको पीछे से टाइट करने के लिए जो है फ्रेम की अपोजिट साइड पे वो है, तो उसको रख के सिर्फ हाथ से जितना हो सके उतना टाइट कर लेना पूरी असेंबली को। एंड चारों के चारों माउंट होने के बाद एक करके एक, मतलब एक स्क्रू को पूरा टाइट मत करना, इसको थोड़ा टाइट करो, फिर दूसरे को टाइट करो, फिर तीसरे को टाइट करो, फिर चौथे को टाइट करो। ऐसे करते आपको जजमेंट आएगा और ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहेगा वो, क्योंकि अगर लूज़ रहेगा तो वो वाइब्रेशन से थोड़ा लूज़, मतलब नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा। राइट साइड का जो है वो कंपैरेटिवली इजी था क्योंकि ये प्लेट पूरी पूरी खाली थी। अब लेफ्ट साइड के इधर वायर का पूरा एक ऐसा बंच है, अब वो हाथ से हिल ही नहीं रहा, इतना टेपिंग किया गया है उसको, तो उसको थोड़ा ताकत ला के डालना पड़ेगा, बट हो जाएगा, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। इफ़ यू गाइज हैव नो आइडिया व्हाट यू गाइज आर डूइंग विद योर मोटरसाइकिल, आई हाईली सजेस्ट एंड रेकमेंड यू गाइज गो टू द सर्विस सेंटर, गेट इट इंस्टॉल्ड ओवर देयर, वरना मेरे से रहोगे तो ले लेना रिस्क, मतलब पता है क्या कर रहा हूँ मैं, बट थोड़ा ध्यान दे के करना पड़ेगा काम, तो वही बात है। क्योंकि ये यहाँ से प्लेट 80% तक कुछ नहीं है, ऊपर ये जो गैप है आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर सब ये दिख रही है, मोटी वायर जो है जिसको टेप किया गया है, इसको धकेल के फिर अंदर डालना पड़ेगा। और एक ही चीज़ का जजमेंट नहीं आ रहा कि फ्यूल इंजेक्टर की जो पाइप है उसको कुछ हो गया ना तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि हाथ पे ग्रीस वगैरह लग रहा है, पता नहीं क्या इधर इतना दबा के भरा हुआ है लेफ्ट साइड की पूरी फ्रेम के ऊपर। मतलब डाल तो सकते हैं इसको, वैसे तो इशू नहीं है, पर ये ब्लैक कलर है, कुछ बोंडुक बोंडुक जैसा है जिसके ऊपर से ऑयल लग रहा है हाथ पे, ये डब्बे वब्बी के अंदर क्या क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि FI गाड़ी के ऊपर कभी ज़्यादा काम नहीं किया, तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। आर्या मतलब मेरी R15, तो वही बात है अभी। तो साइड का जो ये पूरा पैनल है वो निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ की जजमेंट नहीं आ रही थी, और ये मोटी मोटी जो वायर्स है यहाँ पे उसके से प्रॉब्लम आ रहा था, तो फ्यूल की जो वायर है पीछे की उसको थोड़ा ऊपर कर दिया है, एक वायर यहाँ से जा रही है और पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी वायर है, बट इसको थोड़ा ऊपर कर दिया एंड पीछे की तरफ ऐसे कुछ जगह बना दिया है एंड देन ये चीज़ को डाल दिया। अब इसको टाइट करके देखते हैं कि ये कैसा सेटअप हो रहा है पूरा, क्योंकि इसको अगर टाइट करेंगे ये स्पंज वैसे ही दब जाएगा, थोड़ी और जगह हो जाएगी। और लेफ्ट साइड का भी फ्रेम स्लाइडर जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे फिट कर दिया मैंने। लेफ्ट साइड में ये जो वायरिंग है इसके वजह से थोड़ा इसका इंस्टॉलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि हर एक R15 के अंदर ये वायरिंग जो है वो उसी साइड से ली गई है, अगर वो थोड़ी नीचे होगी या ऊपर होगी या फिर थोड़ी राइट साइड में होगी तो ये पैनल आपको खोलना नहीं पड़ेगा, बट पैनल खोलना भी आसान है, यहाँ पे एक बोल्ट दिया गया है, यहाँ पे दो है और पीछे की ये दो नट खाली करके और एक छोटा सा प्लास्टिक का स्क्रू यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, उसके बाद इसको खींचना है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक दो प्लास्टिक के जो क्लैम्प्स टाइप होता है उससे ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है साइड का पैनल वो माउंट किया गया है। अब जो फ्रेम स्लाइडर्स है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, पता नहीं आज क्यों बीच में बारिश आके गई तो ये पूरे स्पॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड मेरे को बाइक धोने भी जाना था बट यार आज काफ़ी लेट हो गया, तो व्हाट आई विल डू इज़ बाइक कम्प्लीटली रेडी नहीं हुई है अभी तक क्योंकि टेल टाइडी भी इंस्टॉल करना बाकी है, बट फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ ये सारी गार्ड और ये पीछे का जो मड गार्ड जैसा है ये वाला पार्ट इसको निकाल देंगे, टेल टाइडी में थोड़े टाइम बाद इंस्टॉल कर दूंगा, बट आने वाले ब्लॉग में आपको पूरी की पूरी जो एक्सेसरीज है बाइक की और इसकी जो कॉस्ट है वो और मैंने क्यों इसको इंस्टॉल किया उसका रीजनिंग दे दूंगा। फॉर नाउ इन दिस वीडियो व्हाट आई विल एक्सप्लेन इज जो फ्रेम स्लाइडर मार्केट में अवेलेबल है सस्ते वाले सिंगल बोल्ट के, वो जो इंजन का यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन जिसके ऊपर लटकता है वो वाले को निकाल के फिर उसी बोल्ट पे अटैच हो जाता है, तो अगर बाइक गिरती है और खुदा ना खास्ता इंजन का जो नट है उसके ऊपर पहले इम्पैक्ट आएगा एंड अगर क्रैश थोड़ा ज़्यादा
इम्पैक्टफुल रहा तो यार फिर वो बोल्ट जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, आपका इंजन की जो माउंटिंग है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। इन दिस पर्टिकुलर केस फ्रेम के ऊपर ये अटैच हो गया है, एंड बाइक में अगर कुछ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो होती है इसकी चेसी, इसकी फ्रेम, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वे बेटर कम्पेयर टू वॉट गाइज डू। मतलब जो 1500 वाला जो आता है चीप फ्रेम स्लाइडर्स, वो पीछे यहाँ पे एक नट है वहाँ पे माउंट हो जाता है और पनौती होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। और 1.5 से 2 इंच का ये पूरा पंक्चर निकाल दिया मैंने। बाइक को आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा रहा हूँ। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ व्लॉग। आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अप टिल देन दिस इज राइट अप साइनिंग ऑफ। राइट सेफ एंड एज ऑलवेज डोंट बी अ स्क्विड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ऑसम एंड कीप रेविंग। एंड बाय द वे दिस इज एक्चुअली अ फिट फॉर MT-15 एज वेल।